पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करनी है आपसे, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसमें राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कोर्ट के फैसले को चोट सीधी राजनीतिक दलों की तिजोरी पर पड़ेगी। इलेक्टोरल का चुनावी बॉन्ड ये है क्या, इसे क्यों हम चुनावी बॉन्ड कहते हैं, इसका पहले आपको ये बता देता हूं कि क्या रिश्ता है, यानी इसके होने नहीं होने का आप पर, मुझ पर, हम सब पर क्या असर पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में ये सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड पर राजनीतिक दलों को जो झटका दिया है, पहले उसकी तीव्रता को पॉलिटिकल रिक्टर स्केल पर मापना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड व्यवस्था को असंवैधानिक बताकर खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। चुनाव बॉन्ड की पॉलिसी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के खिलाफ है। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा हुआ था, यानी आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती। कोर्ट के अपने फैसले में क्या कहा, कोर्ट ने कहा वोटर्स का हक है कि उन्हें पार्टियों के फंड से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का पूरा हिसाब किताब भी मांग लिया है। एसबीआई से जानकारी लेकर अब चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने दलों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक ये जानकारी पहुंचाएगा, उसको साझा करेगा। 13 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर भी देना अनिवार्य होगा। एसबीआई अब चुनावी बॉन्ड जारी नहीं करेगा, क्योंकि वहीं से जारी होते थे पहले, यानी राजनीतिक दलों के बॉन्ड वाले चंदे पर ब्रेक लग गई है। अब आपके मन में यह सवाल होगा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का सवाल उठा क्यों था और यह उठाया किसने था, यह मुद्दा आया कैसे। चुनावी चंदे पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज़ से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। आपकी और हमारी पाई पाई का हिसाब सरकार रखती है, आप जानते हैं। सब लोग, आप मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिए, आपके लेन देन पर सरकार की पैनी नजर रहती है। फिर राजनीतिक दलों की पाई पाई का हिसाब क्यों ना हो, कोर्ट ने इसी को बड़ा आधार बनाया और चुनावी बॉन्ड की परंपरा खत्म कर दी। अब इस फैसले को लेकर कुछ बड़े सवाल हैं। वो सवाल क्या है, क्या लोकतंत्र पर धनतंत्र हावी नहीं होगा, अब चुनावी दल को चंदा कैसे मिलेगा, क्योंकि उसके बिना तो दुकान ही नहीं चलती है, क्या चुनाव लड़ना पाक साफ हो जाएगा, क्या अब पूरी तरह से पारदर्शिता आ जाएगी, क्या अब चुनाव में ब्लैक मनी नहीं खपाई जा सकेगी, क्या आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा, ये मोटा मोटी सवाल है। और सवाल ये भी है कि राजनीतिक दलों का चंदा किसी और धंधे को चमकाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था क्या, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश के सांसद क्या कहते हैं। एक तूफान है, एक भूकंप है, क्योंकि ये साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मोदी सरकार सूट बूट झूठ और लूट की सरकार है। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लाया गया था, ये गैर कानूनी है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। वो पैसा किन कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी को दिया, उन कॉर्पोरेट्स को क्या फायदा पहुंचा, सत्ताधारी दल भाजपा ने कौन से सरकारी एसेट उन कॉर्पोरेट्स को उसके एवज में दिए,
चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो उसके लिए भी लाया गया। जिनका पूरा संस्कार घूस पर है वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हद तक बना। ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार की। हमारा मानना है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ये राजनीतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन का लीगलाइजेशन। हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। साधारण भाषा में चुनावी बॉन्ड एक ऐसे कागज का टुकड़ा है जिसके जरिए आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बेच सकता है। चुनावी बॉन्ड का प्लान कब आया और कैसे आया? 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी जिसके जरिए कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनी या फिर कारोबारी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। ये योजना क्या थी? योजना के तहत अधिकृत बैंक SBI को बनाया गया। यही बैंक धन जारी कर सकता है। SBI की अधिकृत ब्रांच से चुनाव बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था कर दी गई। चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खरीदे जा सकते थे। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर इन्हें भुनाना होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया। जो जमा करे गए पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे उसका पूरा ब्योरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन को दे। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं होती, यानी सब गोपनीय रखा जाता है। अब ये बताता हूं कि पिछले 4 सालों में चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जो आंकड़े दिए हैं उन्हें देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस राजनीतिक दल को कितना धन मिला। साल 2018 से 2022 तक राजनीतिक दलों को 9,191 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें BJP को 5,272 करोड़ रुपए मिले। कुल चंदे का करीब करीब ये 70% हिस्सा है। कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए, ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 768 करोड़ रुपए, इसी तरह BJD को 622 करोड़ रुपए और DMK को 432 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये मोटी मोटी जानकारी दी गई है। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ जो याचिका दी गई थी उसमें क्या है वो भी जानना बड़ा जरूरी है, और उनके किन किन पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा और एक के बाद एक राजनीतिक दलों को कैसे झटके दिए। चुनावी बॉन्ड में गुपचुप फंडिंग पारदर्शिता को प्रभावित करती है, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने पूछा चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी कैसे रुकेगी, क्योंकि सरकार कहती रही कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला रुकेगा। कोर्ट ने कहा कि कालाधन रोकने के दूसरे भी तो रास्ते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि चुनावी बॉन्ड से मिलने वाला चंदा सरकार की योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि चुनावी चंदा जनहित में जारी योजनाओं पर असर डाल सकता है। वो भी पैसा देगा, वो टेलीफोन करके बात भी कर सकता है, राइट, उसी बात भी सुनी जाएगी, उसके काम भी होंगे। ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे
उसको रखेगी ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फ़ायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फ़ायदा भी दिया होता। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फ़ायदा नहीं करता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पीछे तो क्विड प्रो को हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, और वो पता चल जाएगा। चुनाव में पैसा मायने रखता है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। बिना पैसों के कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन पार्टियों के फंड में जो पैसा आता है उससे वो चुनाव का खर्च उठाती हैं, झंडे, पोस्टर, बैनर सब लगाती हैं, सब चंदे के पैसे से ही होता है। अब ये भी विचित्र संयोग है कि पिछले कुछ चुनाव में जिस पार्टी के हिस्से जितना ज्यादा चंदा आया उसे जीत भी उसी अंदाज में मिली। 2018 से लेकर अब तक 40 चुनाव हुए हैं, सभी मिलाकर लोकसभा और विधानसभा के। एक लोकसभा का चुनाव हुआ है और 39 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 2018 से बता रहा हूं मैं। 39 में से 23 विधानसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन ने जीते हैं, जबकि कांग्रेस यूपीए अलायंस को 8 राज्यों में सफलता मिली। क्षेत्रीय दलों को भी 8 ही विधानसभा चुनाव में जीत मिली। जहां तक सवाल लोकसभा का है तो बीजेपी को 2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा सीटें मिली हैं। भारत में 97 करोड़ वोटर हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि चंदे के जोर पर किसी भी दल ने चुनाव जीता होगा, लेकिन तथ्य और सत्य दिखाना मेरा फर्ज है। वैसे देश की पब्लिक चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या सोचती है, हमने ये भी जाना। जनता को जानने का बिल्कुल हक है कि किस पार्टी में किस उद्योगपति ने कितना फंड रिलीज किया है। और दूसरा सबसे मेन क्या है कि इसका इलेक्शन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। जब भी कोई उद्योगपति चुपचाप किसी सरकार को फंडिंग करता था, उसके बाद वो सरकार पे दबाव डालता था कि कौन मंत्री रहना है, कौन एमपी रहेगा, कौन एमएलए रहेगा। एटलीस्ट अब ये चीज़ पब्लिक में रहेगी, इस चीज़ से लोगों में ये चीज़ रहेगी कि कौन किस पार्टी का जो है ना आम जनता के लिए कितना बेहतर वो रहेगा, कि आम जनता के लिए कौन सी पार्टी बेहतर काम करेगी, क्योंकि ज़्यादा चंदा लेने वाले वालों का चेहरा भी सामने आएगा इस तरह से। एक बड़ा सराहनीय कदम है, इससे जो है जनता को पूरा जानने का अधिकार है कि जो बड़े घराने हैं वो किस पार्टी को कितना पैसा देते हैं, और उससे जो है पारदर्शिता आएगी। जनता को ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना फंड दे रही है, और फंड का जब जनता को पता होगा तो जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा। तो इस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत ही अतुलनीय है। कभी चुनावी फंडिंग जो होती थी ये जनता अपडेटेड नहीं रहती थी, इससे जो कि अभी यह फैसला है तो बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। उससे फंडिंग ऐसी होती है कि जनता को पता चले। कोई भी कंपनी किसी पार्टी को जो भी फंड दे रही है वो हमारे सबके सामने आना चाहिए, वह सब पारदर्शिता के हिसाब से काम होना चाहिए। दो महीने में देश में आम चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों को लगता है चुनावी चंदे के सहारे वोट बैंक को सेट कर लेते, प्रचार में जमकर चंदे वाला पैसा खर्च करते, जीत कराते। बीजेपी तो अब भी कह रही है चुनावी बॉन्ड वाला कानून अच्छे मकसद के लिए था, कैश रुक जाए, करप्शन ना हो, इसीलिए बॉन्ड लाए गए थे। अगर वाकई ही ऐसा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से कन्विंस क्यों नहीं हुआ? कोर्ट को क्यों लगा कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है, अधिकारों का हनन है? बहरहाल इस मुद्दे पर आगे भी डिबेट्स होती रहेंगी क्योंकि मुद्दा बड़ा है। हो सकता है कुछ राजनीतिक दल इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर दें, क्योंकि लाख टके की बात यह है कि चंदा किसी को बुरा नहीं लगता और पर्दे के पीछे से मिलने वाला तो कतई नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।